अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। 2015 के अंदर रेवन के अंदर कमरे में बनाई गई एक खुफिया किस्म की एक कमेटी से पूरे आलम के मोहल्ले मोहल्ले में, मस्जिद मस्जिद में, इलाके इलाके में इंतशार आम हो गया और पूरे आलम के अंदर काम करने वालों के अंदर सिवाय इंतशार के कोई चीज़ बाकी ना रही। 2015 नवंबर के अंदर रायवंड में जो खबीसा आलमी शोरा प्लानिंग के तहत बनाई गई थी उसका वजूद ही सरापा फितना है और वो हमेशा से फितना ही फैला रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर हो, चाहे पड़ोस पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं। आप हजरात वहाँ जाकर नज़र दौड़ाएं और अपने रबते वालों से मालूम करें तो हर जगह जो है फितने खबीसा के लोगों ने इस काम के ऊपर अपने फितने का जो है बहुत असर डालने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह उनको जो है नाकामयाब किया है। उनकी नापाक सियासी हरकतों के साथ दारुल उलूम देवबंद भी जो है थोड़ा सा मुतासिर हुआ और किस तरीके से उनकी पैदाइश के बाद ही अपना मौक़िफ़ जाहिर कर दिया और ये आलमी शुरा वाले जगह जगह जो है वजाहती जोड़ कर रहे हैं और दारुल उलूम की बताई हुई बातों का बयान कर रहे हैं और गीबतों पर गीबतें कर रहे हैं। चुनांचा भागलकोट कर्नाटका में इज्तिमा के खिलाफ साजिश और सुल्तान शाह बेंगलुरु में उलमा इकराम का एक जोड़ रखा गया है। जैसे कि आप हजरात के इल्म में होगा कि कर्नाटका में होने वाला आलमी इज्तिमा अल्हम्दुलिल्लाह भागलकोट में 16-17-18 फरवरी 2019 को होने वाला है इंशाअल्लाह। पूरी दुनिया में दावत व तबलीग के काम में आलमी शुरा के नाम पर जो फितना वजूद में आया है उसकी बुनियाद गुजरात और कर्नाटका है और खुसूसन बेंगलुरु है। अब यहीं कर्नाटका में मरकज निज़ामुद्दीन के मशवरे से होने वाला भागलकोट कोर्ट का इज्तिमा है, किस तरह नाकामयाब किया जाए इसकी यही साजिश है। ये जो बेंगलुरु के अंदर जो सुल्तान शाह के अंदर उलमा इकराम व आइम्मा इकराम का जोड़ आज मुरखा 6 फरवरी को रखा गया है, उसका मकसद यही है कि होने वाला ये आलमी इज्तमा इन फितीन खबीसे आलमी शुरा के लोगों के फितने से उलमा इकराम जो है मुतासिर हो जाएं और किसी तरीके से जो है इसके ऊपर असर पड़ जाए। और इस जोड़ का उन्होंने उन्वान दिया है दावत व तबलीग के मौजूदा हालात के उन्वान पर इसका रखा गया है। अब जाहिर है कि उलमा इकराम का जो जोड़ सुल्तान शाह में कभी भी रखा जा सकता है, मगर इज्तमा के 10 दिन पहले जोड़ को रखने का असल मकसद यही है कि उलमा को इस्तेमाल करके कर्नाटका स्टेट के अवाम को भड़काया जाए। अब इन्होंने क्या किया था, एक खत वायरल किया था जिसके अंदर उन्होंने सुल्तान शाह के लेटर हेड पर यह चीज़ कही थी कि पूरे सूबे से साथी फहरिस्त बनाए और उलमा इकराम को सुबह से लेकर शाम तक के वहाँ पहुंचाने की फिक्र करे। अब इन 15 लोगों ने क्या किया, आलमी खबीसे आलमी शुरा के 15 लोगों ने इसको 4 सूबों में कर दिया और 4 सूबों से उलमा इकराम को बुलाया गया ताकि उनका गलत इस्तेमाल किया जा सके। जो काम बातिल ना कर सका, जो काम यहूदी एजेंसियां ना कर सकी, जो काम जो है बड़े बड़े जो है धैर्य नहीं कर सके, उलमा और अवाम को लड़ाने का काम ये आलमी शुरा वालों ने कर दिया। और कि किस तरीके से ये इज्तमा नाकामयाब हो जाए, मगर अल्लाह तबारक व ताला ने हर बार जो है अल्लाह ने मदद फरमाई है और इन शुरा वालों के साजिशों को पहले ही नाकामयाब बनाया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह इन आलमी शुरा वालों की हर किस्म की नापाक और प्लानिंगों को अल्लाह पाक जो है नाकामयाब बनाएगा। जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह संभल में, औरंगाबाद में, बुलंदशहर में, करनूल में, टिचुर में और जो है
निजामुद्दीन मरकज पर उलमा इकराम लाखों की तादाद में उलमा इकराम जमा हो रहे हैं और अपनी इल्मी मशगूली के बावजूद भी वो अच्छा खासा वक्त लेकर वहां पहुंच रहे हैं और अल्लाह के रास्ते में भी हजारों की तादाद में निकल रहे हैं। ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से बड़ा इनाम है और इस चीज को देखते हुए फारूक भाई चप्पल ने और उसके हवारीन ने खबीसे आलम शुरा वालों ने आज सुल्तान शाह के अंदर जो बयान रखा है, आज जो जोड़ रखा है, उसमें क्या होगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इन आए हुए उलमाए किराम को, जो कोई 500 किलोमीटर से आया, कोई 400 किलोमीटर से आया, कोई 1000 किलोमीटर से आया, कोई 200 किलोमीटर से आया, कोई जो है दर्स व तदरीस का काम छोड़कर आया, कोई जो है इफ्ता का काम छोड़कर आया, कोई जो है इमामत छोड़कर आया और वो कुर्बानी देकर अपनी जानी माली कुर्बानी देकर आया है। अब यहाँ क्या होगा कि पूरे दिन जो है वही गीबतें सुनाई जाएगी, वही बोहतानबाजी और बोहतान तराशी कि हमने मरकज क्यों छोड़ा, हमने ये हुआ। उसके अलावा इन हजरात के सामने दावत व तबलीग की मुबारक मेहनत के कोई तकाजे नहीं होंगे। बस इनका मोटिव और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौलाना साद साहब और आलमी मरकज बंगले वाली निजामुद्दीन की मुखालिफत होगी और कान भरना होगा। सारी दुनिया के बड़े उलमा भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये इंतशार खत्म हो जाए और तरह जोड़ पैदा हो जाए। बास कर्नाटक के जिलों में भी यही फिक्र हो रही है, जैसा कि मैसूर वगैरह में, कि मैसूर के अंदर खबीसे आलमी शुरा के फितने से बचने के लिए, क्योंकि चंद अहबाब जो हैं वहाँ निजामुद्दीन के हैं, बाकी सारे के सारे खबीसे आलमी शुरा के लोग हैं, तो उलमा किराम ने वहाँ महसूस किया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से मस्जिदों के अंदर दादागिरी की जा रही है। फिर वो उलमाए किराम के वफद जमा हुए और उन्होंने जो है अहसन तरीका निकाला कि हम जो है इस चीज को, इस इख्तलाफ को रोकने के लिए हम अपनी कमर वाबस्ता करें और जो गीबतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, बोहतान तराशी करते हैं, उनके ऊपर जो है नकील कसे। मगर अफसोस के सुल्तान शाह बेंगलुरु में अभी भी यही साजिशें हो रही हैं और किस तरह उम्मत में तोड़ पैदा हो जाए और उम्मत में झगड़े का माहौल पैदा हो जाए, ये साजिश की जा रही है और इनको अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम उलमाए किराम की रहबरी के साथ हमें काम करने की तौफीक अता फरमाए और आने वाले भागलकोट इज्तिमा को कामयाब अता फरमाए और जितने उलमाए किराम जो आज तक नहीं पहुंचे हैं, अल्लाह तारीख रच दे इस बातिल की तरफ से चलाए गई मुहिम के खिलाफ। अल्लाह तबारक व तआला बड़ी तादाद में उलमाए किराम को जो है भागलकोट इज्तिमा में पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मैं तमाम उलमाए किराम से ये दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरीके से आप हजरात आज यहाँ आए हैं सुल्तान शाह में भाई फारूक बेंगलोर और उनके हवारीन की प्लानिंग के तहत, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है 16, 17, 18 तारीख को भागलकोट कर्नाटक आलमी इज्तिमे में भी शिरकत फरमाए और यहाँ होने वाले गीबतों और बोहतानों और नुक्ता चुनी के बयानात को आपने सुना है, आप वहां पर भी होने वाले बयानात को सुने और अपने दिल के मुफ्ती से इसका जवाब पाए। आज के होने वाले जोड़ के मुतालिक एक साथी से मुख्तसर गुफ्तगू और उसकी कारगुजारी समाप्त फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलमान, ये उनके जहाँ इसमें सुल्तान शाह में क्या हो रहा मालूम करते भी न्यूज़ करते वो चे पहली मजलिस हजरत जी के खिलाफ कोई बगावत करी थी। अच्छा, तमिलनाडु के हजरत सब बाहर आ गए थे, वो आजम था अगर कोई साथी, उन्होंने गुजरते क्या जी खिस्सा करके एक साथी अचानक के मिलने में क्या भी खाली खिलाफ ही बोल रही ना फिर को बोले। अच्छा, पहली मजलिस में हजरत साहब के खिलाफ गीबत, हजरत के खिलाफ गीबत। अच्छा, हाँ जी जी, बहुत उसे हमने बर्दाश्त नहीं हुआ, बाहर आ गए थे मैं को बोले। कौन? तमिलनाडु के उलमा? तमिलनाडु के उलमा इकराम। अच्छा, चार स्टेट का पूरा है उलमाए किराम जुड़ को नहीं करते, वो तब बोले उन्होंने खाली वो तमिलनाडु के हजरत हम फोन कर लेते हैं, क्या हुआ अगर को तुम्हारे क्लास इसमें बेंगलुरु में जोड़ है नागर को नहीं हम मालूम नहीं हम नागर को बोले तब बोले ना वो पहुंचा खाली। अच्छा, और दूसरा कौन उलमा जा को है सलमान? दूसरे अक्सर मदरसा में सब रजा दिया ली इन्हों भी जा पाएंगे
तुम्हारे नौ मुजाहिद हजरत कहते थे जाको ही क्या नो शायद कह रही है कंफर्म तो मालूम नहीं मैं देख को फोन कर रहा हूँ हमारे हबीब बेग साहब भी वहां से आए उन्हों से बोलते नहीं ना उन्होंने अभी बेग भी नहीं हमारे देखो कौन तो भी साथ नहीं तो किसी साथी के जरिए से मालूम होता है क्या हुआ कर लोग आज तो मालूम नहीं होता सभा एक हमारे दोस्त साथी वो मदरसे में पढ़ ले कोई अच्छा मालूम करना तुम्हें अर्जेंट है इमीडिएटली क्या होता कर तुम्हारे फोन का इंतजार में रहे तुम्हें ठीक है पूरे अहमद गुजरा साहब सब आपको अच्छा दूसरा कौन की कश्मीर से देवबंद से आते बोल लगते आए कहते कौन तुम्हें नहीं कौन भी नहीं तो मालूम नहीं अभी नहीं कौन आई क्या निकल डिटेल तो मालूम नहीं लेकिन इतना पहले मजलिस में हजरत के खिलाफ अच्छा अच्छा तो उलमा बाहर आ गए तमिलनाडु के उलमा बाहर आ गए बर्दाश्त कर तमिलनाडु के उलमा जी जी उसमें से दो साचा मिल को बोले थे क्या अभी हमें सुनने नहीं होता है सर को बोलेगे ऐसा बोलते ना अच्छा 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 ठीक कंफर्म ना ये बात तो है कि हमारे एक साथी को सुनाना मैं उसके वास्ते नहीं ये तो पक्की बात क्योंकि आजम भी हमारे मोतबर साथी हूँ अच्छा अच्छा ठीक है दूसरा अनवर भाई के जवाई बोले सो अनवर भाई के जवाई हूँ आजम भैया जी जी ठीक है जैसे दूसरा इन्फॉर्म हुआ मालूम हुआ फौरन मुझे भेज रहे हैं नहीं तो कॉल करके मालूम करो तुम्हारे कॉल के इंतजार करो ठीक है सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वो जोड़ होगा कि तुम्हारे साहब जोड़ खत्म हो हाँ खत्म होगा कि थे इब्राहिम दुल्ला साहब थे कहते बात में सब अच्छा। दूसरा भी उलमा आए थे कहते क्या नहीं पूरा डिटेल्स बोल रही नहीं उन्होंने भी शुरा की तरफ इच्छे अच्छा। खाली इतना बोले इता जोर होगा जोर से कब असर को खत्म कर दे दिखता नहीं हाँ जोहर के बाद खत्म जोहर के बाद इस खत्म अच्छा अच्छा ठीक है इंशाल्लाह देखेंगे उन्होंने क्या तो बोले ध्यान से पूछ तो पूछ अभी पूछो मुझे तो मगरिब से पहले मालूम कराए तो अच्छा रहता ठीक बोल दी ठीक है।